सुप्रभात कक्षा दो, कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पे हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो कक्षा दो, आज हम देखेंगे विषय हिंदी व्याकरण का पाठ तीन। हमारे पाठ का नाम है वचन। वचन किसे कहते हैं? तो वचन से हमें कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदार्थ या कोई प्राणी या कोई पक्षी एक है या एक से अधिक संख्या में है, इस बात का पता चलता है। तो पेज नंबर 28 निकालेंगे बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ वचन। संतरा, संतरे, मेज, मेजे, एक या अधिक। तो कोई भी वस्तु एक है या अधिक है, इसका पता चलता है हमें किससे? वचन से। संतरा, संतरा क्या है? एक है, लेकिन संतरे एक से अधिक है। लड़की, लड़कियां, लड़की एक है, लेकिन लड़कियां क्या है? एक से अधिक है। एक से अधिक है, वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। लड़कियां शब्द से हमें इस बात का बोध होता है। मेज, मेजे, मुर्गी, मुर्गियां। वचन से हमें एक या अधिक होने का पता चलता है कि जिस किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक है या अधिक है, इसका पता हमें वचन से चलता है। वचन के भेद, तो वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब कि एक, कोई भी वस्तु की संख्या कितनी है? एक है, उसका मतलब क्या हुआ? एक वचन है। और बहुवचन, बहुवचन का मतलब कि एक से अधिक, कोई भी कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, पक्षी है या प्राणी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा है। दो भी हो सकता है, वो पांच भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। एक वचन, तो पेड़, कुत्ता। तो ये पेड़ और कुत्ता क्या है? एक वचन है। पेड़ तथा कुत्ता संख्या में एक एक है, अतः ये क्या है? ये एक वचन है। बहुवचन, कारें, लड़कियां। तो बहुवचन हो गया ये क्या? कारें और लड़कियां, क्योंकि ये एक से अधिक है, संख्या में एक से अधिक है। कारें अधिक है एक से, और लड़कियां भी एक से अधिक है, तो ये क्या हो गए? बहुवचन। कारें तथा लड़कियां संख्या में एक से अधिक है, अतः ये बहुवचन है। शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि मैंने बोला कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तो बच्चे क्या हो गया? बच्चे बहुवचन हो गया। हमें पता चला ना कि ये वचन क्या है? बहुवचन है। मैंने बोला मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, तो बच्चा, बच्चा शब्द से हमें समझ में आ गया कि ये बच्चा क्या है? बच्चा एक है, तो ये क्या हुआ? एक वचन। लेकिन मैंने बोला कि बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। मैंने जैसे कि उदाहरण के रूप में बोला कि यहाँ पे कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पे कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी क्या हो गया? कुर्सी शब्द से हमें समझ में आ गया कि कुर्सी एक है, मतलब क्या हुआ? एक वचन हुआ। लेकिन मैंने बोला वहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, कुर्सियाँ से हमें समझ में आया कि कितनी कुर्सियाँ हैं? कुर्सियाँ एक से अधिक है। तो शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वो वस्तु एक है या एक से अधिक है, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। एक वचन तथा बहुवचन। कली, कलियां। कली का बहुवचन क्या हुआ? कलियां। चूहा, चूहे, घोड़ा, घोड़े, पतंग, पतंगे। एक से अधिक होने पर संज्ञा का रूप बदल जाता है। क्या होता है? एक से अधिक जब होता है तो संज्ञा का रूप बदल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे केला। केला एक वचन है, लेकिन इसका रूप यहाँ पे बदल गया जब ये बहुवचन हो गया। क्या हो गया? केले। केला का बहुवचन क्या हो गया? केले। कविता का बहुवचन क्या हुआ? कविताएं। नदी का बहुवचन नदियाँ। मेला का बहुवचन मेले। तो यहाँ पे क्या हुआ? संज्ञा का रूप बदल गया। एक वचन में क्या है? मेला, लेकिन बहुवचन में क्या हो गया? मेले।
पत्ता पत्ते, लड़का लड़के, फिर कमरा। कमरा क्या है? एक वचन है। कमरे, कमरा का बहुवचन क्या हुआ? कमरे। मुर्गी मुर्गियां, औरत औरतें, औरत एक वचन है, औरतें बहुवचन हो गया। तिथि तिथियां, रात रातें, मात्रा मात्राएं। मात्रा एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो गया? मात्राएं। फिर पेज नंबर 30 पे सब बच्चे ध्यान रखेंगे, अपनी किताब में देखेंगे। रुपया, रुपया का बहुवचन हो गया रुपए। रानी रानियां, वस्तु वस्तुएं, माता माताएं। मिठाई मिठाई का बहुवचन मिठाइयां। माला मालाएं, एक वचन है माला, उसका बहुवचन हो गया मालाएं। घंटा घंटे, कक्षा कक्षाएं, पौधा पौधे। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, नौका, नौका का बहुवचन क्या हुआ? नौकाएं। तिनका तिनके, झूला झूले, ठेला ठेला एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हुआ? ठेले। नेवला नेवले, आवाज आवाजें। बात बातें, अब मैं बोलूंगी कि मुझसे मेरी सहेली ने बात की, मुझसे मेरी सहेली ने बात की। बात शब्द से हमें क्या पता चला? एक ही बात की, कोई एक बात कह दी मुझसे, या कोई एक बात की। लेकिन मैं बोलूंगी कि मुझसे मेरी सहेली ने बहुत देर तक बातें की, तो बातें शब्द से हमें क्या समझ में आया? बातें मतलब बहुत सारी बातें। बात क्या है? एक वचन है, एक बात की, लेकिन बातें मतलब बहुत सारी बातें की। तो आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, तोता तोते, आंख आंखें, चूहिया चूहियां। अब यहाँ पे क्या है? चूहिया, चूहिया एक वचन है, लेकिन बहुवचन जब ये बनेगा तो चूहिया या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, चूहिया के ऊपर चंद्र बिंदु, जैसे यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, चूहिया, ये चूहिया। लेकिन ये क्या हुआ? चूहिया एक वचन है, लेकिन जैसे ही इस पर चंद्र बिंदु लग गया, हम कैसे बोलेंगे? चूहिया। नाक से बोलेंगे चूहिया, चूहिया क्या हो गया? बहुवचन हो गया। आई बात समझ में? चूहिया एक वचन, लेकिन चंद्र बिंदु लग गया यहाँ पे चूहिया के ऊपर, ये क्या हो गया? चूहिया। ये क्या? तो चंद्र बिंदु लगते ही ये चूहिया क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो चूहिया चूहिया। सखी सखियां, बच्चा बच्चे, परी परियां, बाधा बाधाएं। झील झीले, बकरी बकरियां। बकरी क्या है? एक वचन है, लेकिन बकरियां बहुवचन। बहु बहुएं, बहु का बहुवचन क्या हुआ? बहुएं। बहन एक वचन है, बहने बहुवचन है। मक्खी मक्खियां, लता लताएं। सभा सभाएं। डिब्बा डिब्बे। पत्ती का बहुवचन क्या हुआ? पत्तियां। सड़क सड़कें। नारी नारियां। घोड़ा का बहुवचन क्या हुआ बच्चों? घोड़े। मकड़ी मकड़ियां। बाली बालियां। गली गलियां। रस्सी एक वचन है, इसका बहुवचन हो गया रस्सियां। धोती एक वचन है, और इसका बहुवचन क्या हुआ प्यारे बच्चों? धोतियां। तो ये पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ये आज जितने भी एक वचन और बहुवचन के उदाहरण हमने देखे, सबको इनका अभ्यास करना है, इनको याद करना है, और अपना गृह कार्य समय पे करना है। बच्चों जो भी अभ्यास कार्य आपको यहाँ से मिलता है, वो आपको हमेशा समय पे करना है।